Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes, Goswami Classes. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल कमेंट्स को लेकर. ये जो टॉपिक है क्रिटिकल कमेंट्स का, ये आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एकलव्य सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये ऐसा नहीं कि केवल शेक्सपियर को लेकर है. हाँ, शेक्सपियर का पार्ट ऑब्वियसली हमने ज्यादा लिया है, लेकिन अदर्स राइटर्स के ऊपर भी इसमें क्रिटिकल कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ध्यान से समझते हुए चलना. दोस्तों जो इनिशियल पे आप देख रहे हैं ये पीडीएफ, इसमें थोड़ा सा लाइट आ गया है, मतलब बोल्ड नहीं हो पाए कैरेक्टर्स तो, बट कोई बात नहीं, मैं बोलता चलूंगा. और जब भी आपको कोई भी लेक्चर दे, मैं दूं या कोई भी अदर्स दे, तो एक चीज जरूर किया करें कि पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करें, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो उसको क्लियर कर सकें. तो सबसे पहला जो हमारे पास ये कमेंट आता है ये है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड. स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड ये किसने कहा? ये जॉन मिल्टन ने कहा, ठीक है ना. जॉन मिल्टन ने कहा, किसके बारे में कहा? शेक्सपियर के बारे में कहा. अब इसको अगर जो आप ट्रिक में बनाए तो कैसे बनाएंगे? ट्रिक में आप ये लिख सकते हैं कि जॉन मिल्टन को शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड लगता था, या फिर स्वीट और फैंसी चाइल्ड लगता था. ये क्या होता है? देखो, एज फनी एज यू कैन, यू शुड डू, करना चाहिए. क्योंकि आप ट्रिक में कोई चीज आप तैयार करते हैं तो वो आपके दिमाग से कभी नहीं उतरती. मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आपको सीरियसली इसी वे में तैयार करना, आपको ये पता होना चाहिए स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, बट फिलहाल एग्जाम के लिए ताकि माइंड में छप जाए, ट्रेस हो जाए, तो ट्रिक में भी आप बना सकते हैं. आई डोंट रिमेंबर दैट एनी पर्सन और एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ मेड एवर सो ग्रेट एन इंप्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर. ये किसने कहा था? ये गोएथे ने कहा था. किसने कहा था? गोएथे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कोई किताब, कोई व्यक्ति, कोई विश्व स्थान मेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ पाया हो जैसा कि शेक्सपियर के प्लेज ने छोड़ा. तो शेक्सपियर के प्लेज से गोएथे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे. तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं. हु कॉल्ड शेक्सपियर द एप्ल्यूज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेट? ये बेन जॉनसन ने कहा था. तो बेन जॉनसन को शेक्सपियर एप्ल्यूज करते थे. शेक्सपियर को बेन जॉनसन एप्ल्यूज करते थे. इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेना. तो ये एक इसकी ट्रिक बना सकते हैं आप. आगे बढ़े. ही फाउंड इंग्लिश डायलैक्ट एंड लेफ्ट इन अ लैंग्वेज. देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर कह दी. डायलैक्ट जो कि एक बोली होती है, उसके लिए डायलैक्ट का यूज हम करते हैं. अब शेक्सपियर ने इंग्लिश को डायलैक्ट के रूप में देखा और किस में कन्वर्ट कर दिया? एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी है, बोल्ड भी नहीं है ये, थोड़ा सा टाइपिस्ट से गड़बड़ हो गई है, बट इसी वजह से मैं इसको करेक्ट करता हुआ चल रहा हूं. तो आप इसको सही कर लेना जहां भी मैं आपको सही करा रहा हूं. तो ही फाउंड इंग्लिश डायलैक्ट एंड लेफ्ट इन अ लैंग्वेज, कि उसने इंग्लिश को डायलैक्ट में देखा और इसको लैंग्वेज में छोड़ दिया. डायलैक्ट जैसे कि आप जानते हैं, डायलैक्ट में सबसे मेन चीज हमारा, जो मेन डायलैक्ट हमारा आता है, वो होता है आरपी. आरपी का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनंसिएशन. आरपी स्टैंड फॉर रिसीव्ड प्रोनंसिएशन. और डायलैक्ट में भी दो तरह के डायलैक्ट हमें मेन देखने को मिलते हैं. एक तो हमें देखने को मिलता है बीआरपी. ये भी अच्छी चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी पूछ ले जाए. वैसे तो पूछा नहीं जाता डायलैक्ट, क्योंकि लिंग्विस्टिक का पार्ट हो जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए. बींग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट हैव द नॉलेज. सो बीआरपी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, एआरपी अमेरिकन रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, एंड द स्टैंडर्ड डायलैक्ट ऑफ इंग्लिश इज कंसीडर्ड इज बीआरपी. ठीक है ना, बीआरपी माना जाता है स्टैंडर्ड डायलैक्ट, जिसको हम ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनंसिएशन के नाम से भी जानते हैं. आगे बढ़े. तो ये बात किसने कही थी? ये बात मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कही थी. विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, उसके साथ हमारी जो रियल पोएट्री है उसका जन्म होता है. ठीक है ना, ये किसने कहा? ये भी मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा. एंड विद हिम स्टैंड्स फॉर, यहां पर हिम किसके लिए है? हिम स्टैंड्स फॉर शेक्सपियर. हिम किसके लिए कहा गया है? शेक्सपियर के लिए कहा गया है. अबाउट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में देखिए. द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस. देखिए सबसे पहला पार्ट ट्रेजेडी में क्या होता है? प्लॉट होता है.
और सेकंड पार्ट क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इसको आसान से शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। और ये किसने कहा, ये एरिस्टोटल ने कहा, कहा कहा अपनी बुक पोएटिक्स में कहा था दोस्तों, ये भी याद रख लेना, ये इनकी बुक थी पोएटिक्स, उसमें इन्होंने कहा था। ठीक है ना, जो प्लॉट है प्लॉट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसके बाद कैरेक्टर को सेकंड प्लेस दिया। अब जो डेफिनेशन आती है ट्रेजेडी की एरिस्टोटल की पोएटिक्स में, वो क्या है, वो ये है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यही तो है ट्रेजेडी की डेफिनेशन, कि ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी की इमिटेशन है एक एक्शन का जो अपने आप में सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और सर्टेन मैग्नीट्यूड लिए होती है। अब इमिटेशन क्या है, इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन हमारा ग्रीक वर्ड मिमोसा से आया, कहां से आया, ग्रीक का वर्ड है मिमोसा, इस मिमोसा से इमिटेशन वर्ड आया। और मिमोसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिमोसा का मतलब होता है मिमिक्री से, यानी कि कॉपी करना। अब मिमिक्री और मिमोसा दोनों में थोड़ा फिर भी अंतर आ जाता है इमिटेशन में, क्यों, मिमिक्री क्या होती है, कोई पर्सन है, कोई रॉयल पर्सनैलिटी है, कोई हीरो है, कोई खिलाड़ी है, उसकी आप नकल कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ मिमिक्री। बट इमिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज इमिटेशन, इमिटेशन जस्ट टू कॉपी द आइडियाज फ्रॉम सोसाइटी या फिर द सोशल हैपनिंग्स ऑफ सोसाइटी, समाज में घटने वाली घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको जब एक इमिटेट किया जाता है, उन पर नजर डाली जाती है और उनको आप अपने प्ले का पार्ट ले लेते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इमिटेशन इन ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा नंबर ऑफ टीवी सीरियल्स आर देयर, नंबर ऑफ मूवीज आर देयर, जिसमें समाज की घटनाओं को जगह दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल एंड नंबर ऑफ अदर्स। तो वहां पर आप देखते हैं कि जो समाज में घटना घट चुकी होती है उसको मिर्च मसाला लगाकर अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाता है उन सीरियल्स में, उन मूवीज में, ऐसे ही प्लेज में होता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इमिटेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। और ट्रेजेडी आप जानते हैं कि सीरियस होती है, कंप्लीट होती है अपने आप में, यानी कि इसका प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, मिड होना चाहिए और एंड होना चाहिए। अब इस ट्रेजेडी में दो चीजें हम यहां पर डिस्कस करें, प्लॉट एंड कैरेक्टर। प्लॉट जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिसको हम कथा वस्तु बोलते हैं। कथा वस्तु, अगर जो ये कथा वस्तु ना हो, स्टोरी नहीं है आपके पास, कंटेंट नहीं है, तो व्हाट टू डू विद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी भाई। कैरेक्टर्स आपके पास भाई हीरो हीरोइंस तैयार खड़े हैं, अदर साइड हीरो हीरोइंस तैयार खड़े हैं, अदर साइड कैरेक्टर्स तैयार खड़े हैं, लेकिन आपको कहानी नहीं पता, आपकी कथा वस्तु ही नहीं है, तो वो क्या अचार डालेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहली चीज है प्लॉट का होना, जिसको ध्यान रखना, प्लॉट को एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल ऑफ ट्रेजेडी, इसको सॉल ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। जो ये प्लॉट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सॉल ऑफ ट्रेजेडी के नाम से प्लॉट को जाना जाता है। और सॉल ऑफ ट्रेजेडी की बात करें तो देखो, इसको आप दूसरे वे में भी ले सकते हैं। आप प्लॉट का दूसरा मीनिंग होता है भूमि का टुकड़ा, भूमि का छोटा सा टुकड़ा, ये से हटकर है लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो प्लॉट क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है। आप एक मकान बनाना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास प्लॉट नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, आप एक प्लॉट का इंतजाम करें, आप एक प्लॉट लें, एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो भाई तभी तो आशियाना बन पाएगा। तो आप उस टुकड़े की तलाश में रहते हैं, आप उस प्लॉट को पहले क्या करते हैं, परचेज करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, फिर कैरेक्टर्स उसमें आने चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या हुआ, कैरेक्टर्स, यानी कि वी द पीपल लिव इन हाउस। तो सेम थिंग इज अप्लाइड इन प्लेस, ये चीज प्लेस में अप्लाई होती है। प्लॉट यानी कि कथा वस्तु तैयार है तो क्या होगा, तो हमारे कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस होगी, कैरेक्टर्स उसमें रोल प्ले करेंगे, लेकिन कथा वस्तु ही नहीं है, प्लॉट ही नहीं है, तो फिर कैरेक्टर का क्या फायदा। तो प्लॉट फर्स्ट एंड कैरेक्टर सेकंड प्रिंसिपल, इज दैट क्लियर दोस्तों। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग जो है ना घबराने लगते हैं, स्पेशली लिटरेचर को तो ऐसा फोबिया मान के चलते हैं भाई, ये कहते हैं ग्रामर हम शुरू से पढ़ते आए हैं, ग्रामर हम कर लेंगे, लेकिन लिटरेचर से समझ में नहीं आता। इतना ब्रॉड लिटरेचर है, इतनी सारी किताबें हैं, एक एक राइटर के इतने इतने वर्क्स हैं, कैसे तैयार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करें।
ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप तैयार करें, ये ना सोचे कि मुझे सारी चीजें एक साथ कलेक्ट करनी है, एक साथ लेनी है, क्योंकि अब क्या है, एग्जाम आपको पता है कि आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, बहुत दिन इंतजार कर लिया, बट अब वो इंतजार की सीमा आपकी खत्म हो चुकी है, अब एग्जाम आपके सर पर है। अब आप सोचेंगे कि मैं भाई 1 महीने में, 2 महीने में सब कुछ, क्योंकि विद इन 2 मंथ्स एग्जाम करा लिया जाएगा, तो इन 2 महीने के अंदर मैं सब कुछ तैयार कर लूं, बहुत अच्छी तरह तैयार कर लूं और इसको सारे को घोट के पी जाऊं। और उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप गलत स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगते हैं। गलत कैसे, आपका मन जो कि चलायमान रहता है, वो मन क्या कहता है कि अभी मैं शेक्सपियर करूंगा तैयार, ठीक है ना, आप शेक्सपियर को तैयार करना चालू कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, शेक्सपियर के आपने कुछ क्वेश्चंस तैयार कर दिए, फिर थोड़ी देर बाद मन आता है मिल्टन को भी देख लूं, फिर मिल्टन को पढ़ना चालू कर दिया, फिर मन आता है गैल्सवर्दी को भी देख लें, फिर गैल्सवर्दी को पढ़ना चालू कर दिया, फिर मन आता है वर्ड्सवर्थ को देख लें, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना चालू कर दिया। भाई ऐसे काम कोई चलेगा, ऐसे क्या हो जाएगा, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि सारे लड्डू एक साथ खा लूं, और जब सारे लड्डू एक साथ खाओगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर जो आप शेक्सपियर कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले आप शेक्सपियर को ही अच्छी तरह से तैयार करें। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मैंने तो टेक्स्ट बुक से शुरू से स्टडी की है, जो टेक्स्ट बुक होती है, ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं जो शेक्सपियर के प्लेज के, उन टेक्स्ट को स्टडी किया है, उनको पढ़ा है। और लेकिन उसमें टाइम होता है, जब आप पीजी में होते हैं तब आप उनको टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, तब आप टेक्स्ट को तैयारी करते हैं, बट यू डोंट हैव टाइम नाउ। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपको, मैं ये भी अभी फिलहाल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप टेक्स्ट को फिलहाल स्टडी करें, आप तो तब करना जो आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है, तब करना जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे ना, तो तब अपना पढ़ाना, टेक्स्ट को पूरा अच्छा डेप्थ में पढ़ना चालू कर देना। टेक्स्ट लाइंस, टेक्स्ट जो बुक्स होती हैं, यानी कि शेक्सपियर के जो एक्चुअल प्लेज हैं, उनके गैल्सवर्दी के जो प्लेज हैं, उनको टेक्स्ट में पढ़ो आप। अभी तो आप क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं, समरी पढ़ी होगी, नहीं, गलत तरीका है। लेकिन अभी भी, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में टेक्स्ट लाइंस पूछी जाती है, तो टेक्स्ट लाइंस कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें आप उन टेक्स्ट लाइंस को, कैसे प्रॉपर तैयार कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं हर प्लेस की, वो तैयार करनी है। वो कैसे पता चलेगा, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन हैं उनमें जो आई हुई लाइंस हैं उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। हमारे नोट्स जिनके पास होंगे उन्होंने देखा भी होगा, उनमें हमने लाइंस को कॉट कर रखा है, अलग अलग एग्जाम में आने वाली जो लाइंस हैं, जो प्लेस की, उनको सबको कॉट प्रॉपरली किया हुआ है। मतलब उनमें तो खैर मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, जो हमारे नोट्स हैं जो आपके पास होंगे भी तो, और नहीं है तो तरीका यही है कि आप इंपॉर्टेंट लाइंस जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं उनको आप एक साथ नोट डाउन कर लें, पहले समरी तैयार करें, अच्छी तरह से प्रॉपरली समरी तैयार करें, एक्ट वाइज समरी तैयार करें, यानी कि होल आपने पूरा सब्सटेंस तैयार कर लिया, नहीं, एक्ट वाइज समरी तैयार करें, ताकि आपके बीच के क्वेश्चंस ना छूटें, क्योंकि बीच में से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है, समरी को तैयार करना है, समरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करना है, राइटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करना है, और क्रिटिकल रिमार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करना है। मतलब कोई भी आप राइटर पकड़ते हैं तो राइटर के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको राइटर की बायोग्राफी, उसका बैकग्राउंड तैयार करना होता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, उसके बारे में क्रिटिक्स ने क्या राय दी है, क्रिटिक्स के क्या कमेंट है, क्रिटिक्स ने उसको कैसे क्रिटिसाइज किया है, इस चीज को तैयार करना होता है। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात यह होती है कि उसके कौन कौन से वर्क्स हैं, कब पब्लिश हुए हैं, उनको उस वे में तैयार करना है, उनकी पब्लिश जो डेट है वो एक साथ नोट डाउन कर लें, उनको तैयार करना है। फिर उसके बाद किस मेथडोलॉजी, किस वे में उनको डील किया गया है, वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है वो, तो उनका आपको जो जेनर है ना, जो जॉन है उनका, वो तैयार करना है। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स और उनके समरी आपको तैयार करनी है। इस तरह से आपने तैयार कर लिए ना प्लेज या नॉवेल्स वगैरह, तो आप कभी मात नहीं खा पाएंगे। फिर उसके बाद जो उनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको देखना है। पोएट्री में क्या करना है, पोएट्री में सबसे पहले वही पोएट के बारे में तैयार करना है आपको, पोएट के बैकग्राउंड के बारे में तैयार करना है, पोएट के बारे में जो क्रिटिकल कमेंट्स है उसके बारे में तैयार करना है, पोएम को लेकर जो क्रिटिकल कमेंट्स है उनको तैयार करना है, और पोएम की समरी को आपको देखना है, और समरी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको देखना है, और इंपॉर्टेंट लाइंस को तो भूलना ही नहीं है, पोएम्स को भी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो याद करनी है, वो दिमाग में बिठानी है। तो इस तरह से करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे बेकन कहते हैं ना कि सम बुक्स टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें टेस्ट करने के लिए होती हैं,
कुछ निगल जाने के लिए होती है और कुछ चबाने और पचाने के लिए होती हैं। तो जो बेस्ट मेथड है दोस्तों वो च्यू एंड डाइजेस्ट वाला ही है। तो आपको च्यू एंड डाइजेस्ट करना है, चबाना और पचाना है, यानी कि दिल से याद करना है और दिल और दिमाग दोनों चीज वहां पर होनी चाहिए, उस तरह से आप तैयार कर पाएंगे, अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम तो मैं आपका ले रहा हूं इस टॉपिक में, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी छोटी सी एडवाइस आपकी लाइफ चेंज कर दे, मेरी छोटी सी एडवाइस आपका एग्जाम क्रैक करा दे। तो क्योंकि एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करना, तो मैं यही कोशिश करता हूं कि भाई मेरे माध्यम से जितना भी आपको गाइड किया जा सके प्रॉपरली, आपके जो आप अपने नोट्स तैयार कर सके और एक प्रॉपर अपना जो टारगेट आपने सेट किया हो उसको अचीव कर सके, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है। और एक छोटी सी एडवाइस लास्ट में मैं ये जरूर देना चाहूंगा कि विक्ट्री का सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है? जो विजय है ना, जिसका आप सपना देख रहे हैं, जिसका आपने टारगेट हासिल, मतलब एक टारगेट के पीछे आप चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी सबसे बड़ी दुश्मन या सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपकी उदासीन प्रवृत्ति। जब आप ये सोच लेते हैं ना, नहीं एग्जाम ही नहीं आ रहा, अब नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे, और नहीं मेरे पे नहीं हो पाएगा, तो जब आपने ये सोच लिया ना, फिर शायद आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ना आपका, जो ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके अंदर, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इनको निकालकर फेंक दो। नकारात्मकता को निकाल कर फेंक दो, सकारात्मक सोचो। और ये भी मत सोचो कि एक साथ सब कुछ कर लूंगा, धीरे धीरे सब कुछ करो, क्योंकि अगर जो आप स्वेलो करने की कोशिश करोगे ना, निगलने की, जैसे बैकन का भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम स्वेलो करने की कोशिश करते हैं, निगल जाने की कोशिश सब कुछ, और उस निगलने में कुछ तैयार होता है, कुछ नहीं हो पाता, और वो खिचड़ी सी पक जाती है और सब कुछ बेकार हो जाता है। तो स्वेलो नहीं करना, क्योंकि आप कोई रोटी है उसको आप एक टुकड़ा तोड़कर खाते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं, पच जाती है, ठीक है ना, छोटा सा बाइट लिया आपने, लेकिन उसको आप पूरी लेकर मुंह में इस तरह से निगल जाते हैं, तो वो दिक्कत करती है। और दिक्कत करती है तो आपको पता है दिक्कत के दो रास्ते हैं, वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन। भाई बीमारी लग जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है, तो लेकिन वो डाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसे ही पढ़ाई में है, तो स्वैलो मत करो, च्यू एंड डाइजेस्ट करो बच्चों। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, और आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ तैयार नहीं कर सकते प्रॉपरली वे में, नहीं पढ़ मतलब अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर जो आप चाहें तो हमारे नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9756055255 पर। और इससे मतलब एक स्पेशल स्कीम भी ये है, स्कीम ये है कि आपको नोट्स के साथ साथ जो क्लासेस हैं वो फ्री दी जा रही हैं। क्लासेस का आपके साथ आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है जो कि नोट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो केवल नोट्स परचेज कीजिए जो कि 2,000 रुपये में है, ठीक है ना, इन 2,000 रुपये में आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, और नोट्स भी आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, कम समय है, बेहतर तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा विकल्प है। इसके बाद देखिए मिल्टन वॉज अभी, हाँ ये देखिए मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की पोएट्री क्या है, एक मिरर है जिसमें राइटर का कैरेक्टर जो है बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। आप देखते हैं कि राइटर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, ऑटोबायोग्राफिकल टच रिफ्लेक्ट होता है, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है मिल्टन की पोएट्री में। अब ये सिंपल सा इसका ट्रिक क्या बना है, मैक मिलन के पास मिल्टन का मिरर था, मैक मिलन के पास मिल्टन का मिरर था, द स्टेटमेंट गिवन बाय मैक मिलन। तो मैक मिलन के पास क्या था, मिल्टन का मिरर था। इस तरह से आप इसको ट्रिक में याद कर लें। शेक्सपियर के बारे में बोला गया है अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। भाई दूसरे लोग जो हैं वो हमारे क्वेश्चंस में घिरे रहते हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम तुम पर अप्लाई कर सकें, अपने क्वेश्चन से आपको घेर सकें। तो क्रिटिक्स के घेरे में दूसरे राइटर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन यहां पर किसके लिए कहा गया है, यहां पर ये बात कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड।
टेनिसन को मिल्टन कैसा लगता था? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस लगता था इंग्लैंड की। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिए, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये टेनिसन ने कहा है मिल्टन के बारे में। एवरी ग्रेट पॉइट इज अ टीचर, एवरी ग्रेट पॉइट इज अ टीचर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट ये पीबी शैली ने कहा है। पीबी शैली को हर पॉइंट में टीचर दिखता था, इस तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, पीबी शैली को हर पॉइंट में क्या दिखता था? टीचर दिखता था। तो इस तरह से आपको इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और आगे देखिए, इसमें ये है, द वाइजेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये किसके बारे में कहा गया है? द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये अलेक्जेंडर पॉप ने, ठीक है ना, अलेक्जेंडर पॉप ने किसके बारे में कहा है? बेकन के बारे में कहा है। अलेक्जेंडर पॉप ने ये बात किसके बारे में कही है? ये बात बेकन के बारे में अलेक्जेंडर पॉप ने कही है। इसके बाद मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मिल्टन जो था वो किस पार्टी में था? डेविल्स की पार्टी में था, बिना इसको जाने वो डेविल की पार्टी में दिखाई पड़ता था, ये विलियम ब्लेक ने कहा है। नेचर नेवर डिड बैटर द हार्ट दैट लव्ड हर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है कि प्रकृति कभी उस हृदय से विश्वासघात नहीं करती जो उससे प्रेम करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया वर्ड्सवर्थ ने। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स, कल फिर हम कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स ही मैं भी लेकर आने वाला हूं, कल फिर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए बहुत प्रीशियस होंगे। पहले आप आज के ये जो इनिशियल आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको आप तैयार कीजिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए, दिल लगाकर पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और अपने टारगेट को अचीव जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।